अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, टॉपिक है बच्चे आपका एनिमल्स टिशू। ठीक है जी, चार जो कैटेगरीज है एनिमल्स में टिश्यूज़ की पाई जाती हैं। फर्स्ट है आपका एपिथेलियल टिशू, नेक्स्ट कनेक्टिव टिशू है, फिर मसल टिशू एंड नर्वस टिशू। एपिथेलियल टिशू क्या होते हैं? एपिथेलियल टिशूज़ जो हैं वो बॉडी की आउटसाइड और ऑर्गन की लाइंस, यानी ऑर्गन्स का जो बॉडी जो लेयर है, ऑर्गन्स जो हमारे जैसे हार्ट है, स्टमिक है, उसकी जो लाइंस, लाइंस का मतलब उसकी आउटसाइड जो बॉर्डर है उसको जो है ये कवर करते हैं। ठीक है जी, चार जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है वो फाइव टाइप्स सुन के होती है। सबसे पहले आ जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम, या सिंगल लेयर होते हैं, फ्लैट सेल, मतलब इस तरह के। ठीक है, ये फ्लैट बिल्कुल सीधे कहाँ पे पाए जाते हैं? लंग्स में होते हैं ये, उसके अलावा हार्ट में और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है इसका? यहाँ पे जो मूवमेंट है मटीरियल की, ठीक है जी, उसको जो है ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर क्यूबोइडियल एपिथेलियम, क्यूबोइडियल मतलब ये क्यूब शेप में होते हैं ये। ठीक है, ये क्यूबोइडियल एपिथेलियम, ये भी सिंगल लेयर है, क्यूब शेप में होते हैं, क्यूब इस तरह क्यूब शेप में पाए जाते हैं। ठीक है जी, कहाँ पे पाए जाते हैं? ये किडनी ट्यूब्स में होते हैं, किडनी में और स्मॉल ग्लैंड्स में, छोटे छोटे जो ग्लैंड है वहाँ पे। यहाँ पे ये क्या करते हैं? सिक्रीशंस, यानी सिक्रीशन मतलब जो लिक्विड फॉर्म में जो सिक्रीशंस होती हैं हमारी किडनी में और स्मॉल ग्लैंड्स में, उसको ये कंट्रोल करते हैं। कोलमनार एपिथेलियम क्या है? इसके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, यानी लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ये कोलमनार एपिथेलियम सेल्स लंबी शेप में है। ठीक है जी, ये एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल यानी आपका जो माउथ से स्टार्ट होता है वहाँ पे गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं, वहाँ पे ये भी जो है ये सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। फिर सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम है, ये इसके होते वैसे ही है लेकिन फर्क क्या आ जाता है इसमें? ऊपर इसके सीलिया यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे धागे नुमा ये सॉक जो है सीलिया, ये सीलिया जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है जी, ये कहाँ पे हैं? ये ट्रिकिया में होते हैं, ब्रोंकाई में पाए जाते हैं, जहाँ पे ये म्यूकस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। प्रोपेल्स म्यूकस, यानी म्यूकस भी जो है आपका ये लिक्विड फॉर्म में ही सिक्रीशंस है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये बहुत सी लेयर्स होती हैं, ये लेयर की तरह एक दूसरे के ऊपर, लेयर दर लेयर जो है ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ये एसोफेगस में पाए जाते हैं, यानी जो आपके गले में जो आप नीचे एसोफेगस जा रहे हैं वहाँ पे, माउथ में होते हैं और स्किन के ऊपर भी पाए जाते हैं। ये इनका काम क्या है? ये इनर जो पार्ट्स हैं उसको जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका जाता है कनेक्टिव टिश्यू, इसके नाम से शो है, कनेक्ट मतलब जोड़ना, ये सपोर्ट करता है और बाइंड करता है दूसरे टिश्यूज को आपस में एक दूसरे के साथ। इसकी एग्जांपल है कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी जो आपकी बोन के एंड पे जिसे आप थोड़ी सी नरम और थोड़ी सी सख्त होती है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर, आपके ईयर कान के बाहर जो है वहाँ पे पाई जाती है, नोस में और ट्रिकिया में। इसके अलावा बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है, एडिपोज टिश्यू है जो किडनी में, अंडर स्किन हमारे स्किन के अंदर, एब्डोमेन यानी पेट में पाए जाते हैं, ये भी जो है कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। ये इसका काम क्या है? ये सपोर्ट करते हैं और एनर्जी देते हैं ऑर्गन्स को। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आ जाता है मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू क्या है जी? मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल, लंबे लंबे सेल्स का बंडल जो है जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं, उसे मसल टिश्यू होते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं ये एनिमल सेल में, उनके पास एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, सुकड़ने की। ठीक है जी, तीन टाइप्स हैं। एक आ जाता है स्केलेटल मसल्स, ये होते हैं बोन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, स्ट्रिप यानी स्ट्रिप मतलब जैसे स्ट्रिप होती है एक सीधी पट्टी की तरह। ठीक है जी, ये स्केलेटल मसल्स हैं, स्ट्रिप की शेप में पाए जाते हैं। इनकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या है? बोन की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्मूथ मसल्स, ये एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स के जो आप कहेंगे वॉल्स हैं उनकी, जो आपने पढ़ी उनकी जो लाइनिंग है, बॉर्डर है, उनमें पाए जाते हैं। सिंगल न्यूक्लियस होता है इनके पास भी। ठीक है जी, और रिस्पॉन्सिबल है ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सेल टिश्यूज के अंदर, सेल के अंदर इन्होंने सब्सटेंस की मूवमेंट करनी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कार्डिक मसल, कार्डिक जो वर्ड है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है। ये जो टिश्यूज हैं ये हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है जी, दे आर आल्सो सिचुएटेड बाय सिंगल न्यूक्लियस इन ईच,
दे प्रोड्यूस हार्ट बीट। इनका काम क्या है, जो दिल की हार्ट की हार्ट बीट है उसको ये कंट्रोल करते हैं। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, नर्वस टिश्यू, नर्वस का मतलब है कि एक साल से दूसरे साल तक पैगाम उसानी, ठीक है जी, अपना मैसेज कंडक्ट करना। नर्वस टिश्यू फॉर्म कम्युनिकेशन सिस्टम, सेल्स के दौरान जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो नर्वस टिश्यू जो है कंट्रोल करते हैं। दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन, न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं जो मैसेज को नर्व इंपल्स के थ्रू पहुंचाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है जी। ये जो है नर्वस टिश्यू आपको नजर आ रहे हैं नर्व सेल्स हैं, और ये नर्व सेल एक न्यूरॉन। नर्व टिश्यू इज फाउंड कहाँ पे, ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व में, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 टॉपिक है बच्चे आपका प्लांट टिश्यू, ठीक है जी। प्लांट टिश्यू में दो कैटेगरीज जो हैं वो पाई जाती हैं, एक सिंपल टिश्यूज़ हैं और एक कम्प्लेक्स टिश्यूज़ है जिन्हें कंपाउंड टिश्यूज़ भी कहते हैं। सबसे पहले सिंपल टिश्यूज़ पढ़ लेते हैं। सिंपल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, उन्हें हम सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्या टाइप, दो टाइप आ जाती हैं, एक मेरिस्टमैटिक टिश्यू है। मेरिस्टमैटिक टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ हैं जो सेल के अंदर हो, उनके पास एबिलिटी हो डिवाइड करने की, ठीक है, यानी वो डिवाइड कर सके, उनको डिस्कस सके, ऐसे सेल को हम मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ कहते हैं। इनका न्यूक्लियस लार्ज होता है और इनके अंदर कोई वैक्यूल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट इसकी दो टाइप्स आ जाती है, एक है एपिकल मेरिस्टेम, ये एपाइसिस यानी रूट्स और शूट्स की टिप यानी कॉर्नर पे मौजूद होते हैं, ठीक है। ये जब डिवाइड करते हैं तो इनके डिवाइड करने से प्लांट की ग्रोथ में इजाफा होता है, जिसे प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लेटरल मेरिस्टेम, ये जो है ये रूट्स और शूट्स की लेटरल साइड यानी पिछली साइड, एक वो एपिकल मेरिस्टेम उसके अपर साइड पे नजर आएंगे और लेटरल मेरिस्टेम ये वाले टिश्यूज पाए जाते हैं बैक साइड पे, ठीक है जी। ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट पार्ट की ग्रोथ के लिए और इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट इसके टू टाइप आ जाती हैं, एक वेस्क्यूलर कैम्बियम है जो जाइलम और फ्लोएम में पाया जाता है, और एक कॉर्क कैम्बियम है जो के प्लांट की लिटरल साइड पे पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू से ही मिलकर बने हैं, लेकिन इनके पास एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने की। इनकी नेक्स्ट टाइप्स आ जाती हैं, फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो सिंगल लेयर सेल से कंपोज है, ठीक है जी। प्लांट को बॉडी को जो है ये कवर किए हुए है एनवायरनमेंट और इंटरनल पार्ट यानी बाहर की आबोहवा प्लांट के अंदर पार्ट के दरमियान एज अ बैरियर एज अ जो है ये एक्ट करता है, ठीक है जी। क्या है रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, वाटर और मिनरल एज अ बैरियर एज अ जो है ये एक्ट करता है, ठीक है जी। क्या है रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, वाटर और मिनरल्स यानी पानी, प्लांट को बॉडी को जो वाटर मिलना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेम में ये क्या करता है, स्टेम और लीव पे ये क्यूटिन जो है सिक्रेट करता है जो इवापोरेशन यानी पानी का जो पानी इवापोरेट करता है लीव की सरफेस से उसको रोकने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये रूट हेयर और स्टोमेटा में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बच्चे ग्राउंड टिश्यू, ठीक है जी। ग्राउंड टिश्यूज़ क्या है, ये पैरेन्काइमा सेल से मिलके बने होते हैं। पैरेन्काइमा सेल सबसे ज़्यादा प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल हैं। स्फेरिकल होते हैं यानी गोल होते हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट पे जहाँ से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं वहाँ से ये फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है जी। इनका प्राइमरी सेल वॉल बहुत कम थिन होता है, पतला होता है, लेकिन इनका लार्ज वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि इन्होंने जो है फूड को स्टोर करना होता है, ठीक है जी। लीव्स के अंदर इसको मेसोफिल कहते हैं, मेसोफिल ग्रीन मादा जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है जी, जबकि अदर पार्ट्स में रेस्पिरेशन और प्रोटीन। नेक्स्ट बच्चे आपका टॉपिक है स्पोर टिश्यू, ठीक है जी। स्पोर टिश्यू क्या है, उसके नेम से ही जो है वो पता लग रहा है, स्ट्रेंथ देंगे प्लांट को और फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्लांट की वो इस वजह से होते हैं। प्लांट जो है वो रिजिड नहीं होते, हार्ड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं वो स्पोर टिश्यूज़ की वजह से। इसके दो टाइप्स हैं, पहला है कोलेनकाइमा टिश्यू, ये जो है कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं यानी यंग स्टेम जो नई आपकी स्टेम आती है वहाँ पे भी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है ये लीव्स में और पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है, फ्लावर्स की पेटल्स में। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है जी।
फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं प्लांट को एंड फ्लेक्सिबल टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे आर फाउंड, जिन और जिस ऑर्गन में पाए जाते हैं ये वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। नेक्स्ट है सक्लैगन टाइमर टिशू। सक्लैगन टाइमर टिशू क्या है, ये इनका सेल वॉल रिजिड होता है, सख्त होता है, उसके बाद सेल वॉल हार्डन कर देते हैं विद लाइनिन। ठीक है, जी लाइनिन जो है ये केमिकल जो है प्लांट का है, विच इज़ मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड, यानी लकड़ी में लाइनिन पाया जाता है। मेच्योर सक्लैगन काइमा सेल कैन नॉट इलोंगेट, ये ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, इसलिए ये मोस्ट देम आर डेड, इसलिए बहुत ज़्यादा जो हैं ये टिश्यूज़ जो हैं ये डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कम्प्लेक्स टिश्यूज़। कम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ जो मोर देन वन सेल से मिलके बने हों उन्हें हम कम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। प्लांट्स में दो तरह के कम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम दूसरा फ्लोएम। जाइलम जाइलम टिश्यू क्या करता है, प्लांट में जो वाटर मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है जड़ों से बाकी ऊपर के एरियल पार्ट तक जो पानी पहुँचाने का सारा काम है वो जाइलम टिश्यू करता है। इसमें क्योंकि वुड के अंदर जो लाइनिन प्रेजेंट होता है इसलिए इसकी जो सेल वॉल जो होती है वो थिक और रिजिड होती है, ज़रा मोटी और सख्त होती है। ठीक है जी, ये प्लांट की बॉडी को इसलिए सपोर्ट भी करते हैं। दो टाइप्स जो जाइलम टिश्यू के वो पाई जाती हैं, एक है वेजल एलिमेंट जिसे हम वेजल एलिमेंट और सेल भी बोलते हैं, हैव थिक सेकेंडरी वॉल, दे लैक एंड वॉल्स, इनकी वॉल्स एंडिंग जो है एंड जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, लॉन्ग ट्यूब्स के साथ एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको वेजल एलिमेंट्स नजर आ गए और ये ट्रकाइड्स हैं। ठीक है, दूसरा ट्रकाइड्स आर सिलेंडर्स के साथ एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको वेजल एलिमेंट्स नजर आ गए और ये ट्रकाइड्स हैं। ठीक है, दूसरा ट्रकाइड्स आर सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर तय दर तय। ठीक है जी, ओवरलैपिंग सेल्स के साथ। नेक्स्ट आपका है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या है, फ्लोएम टिश्यू जो पान लीव के अंदर फूड का जो सिस्टम है, ठीक है जी, फूड बन जाना है अपर पार्ट से लोअर पार्ट तक, वो फ्लोएम टिश्यू करेगा। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू कंटेन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब मतलब ये देखें, ये सीव ट्यूब है। ठीक है, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है सीव ट्यूब होती हैं एंड कंपेनियन सेल्स, ये इसके कंपेनियन सेल्स हैं, इसको हेल्प करने के लिए। सीव ट्यूब आर लॉन्ग एंड देयर एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स, इसकी एंडिंग वॉल पे क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। मैनी सीव ट्यूब्स जॉइंट टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब, बहुत ज़्यादा सीव ट्यूब, ये देखें एक सीव ट्यूब दो सीव ट्यूब ये आपस में जॉइन कर जाएंगे एक लंबी सीव ट्यूब बनाने के लिए, ताकि उस ट्यूब से जो फूड है वो इजीली जा सके। कंपेनियन सेल क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे सीव ट्यूब सेल की, ताकि वो इजीली जो है अपना फंक्शन कर सके। आई होप बच्चे आपको समझ आ गई होगी, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एमसीक्यूज आप खुद करेंगे, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जो प्रेशर होता है उन्हें वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम की यहाँ पे डेफिनेशन बताइए कि ऐसे स्टेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटिंग, यानी जितने नंबर जो लिक्विड के जो है इवेपोरेट हुए हैं वो इक्वल हो जाएं, उतने जितने पलट के वापस इवेपोरेट होने के बाद कंडेंस यानी पलट के वापस आ चुके हैं, ये स्टेट उनके नंबर उनके तादाद जो है बराबर हो जाए उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है इसके फैक्टर्स के किस किस पे जो है ये डिपेंड करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड के, लिक्विड की नेचर कैसी है, पोलर की जो है लिक्विड उनका वेपर प्रेशर लो होता है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। ठीक है जी, इसी तरह साइज उसका कैसा है, जितना स्मॉल साइज होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगी बिग साइज मॉलिक्यूल की निस्बत। ठीक है जी, टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर हाई टेम इज हायर देन एट लो टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हाई होगा, जितना लो टेम्परेचर होगा काइनेटिक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो कम होगी और इसलिए उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure, यानी vapor pressure, यानी vapor pressure आपने पीछे पढ़ा कि जब vapors बन के उठते हैं, ठीक है, उस पर जो pressure लगता है वो pressure जो है atmospheric pressure, आप पीछे पढ़ के आए कि mercury level 760 के बराबर जो
होता है वो वाला प्रेशर, जब एटमोस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फैक्टर क्या है, सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर कैसी है, किस तरह का लिक्विड है। पोलर लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर की निस्बत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उसके बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि उनकी फोर्सेस को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर से जो लगने वाला प्रेशर है क्या है जी, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे दैट इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। जितना बाहर से प्रेशर लगेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी गई है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्वल स्टेट में आ जाए, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट डिफ्यूजन है इसकी एक प्रॉपर्टी, इस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, सबसे पहले आ जाता है इंटरमोलिकुलर प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसके नाम से शो है कनेक्ट मतलब जोड़ना, ये सपोर्ट करता है और बाइंड करता है दूसरे टिश्यूज को आपस में एक दूसरे के साथ। इसकी एग्जाम्पल है कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी जो आपकी बोन के एंड पे जिसे आप थोड़ी सी नरम और थोड़ी सी सख्त होती है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर, आपके ईयर कान के बाहर जो है वहाँ पे पाई जाती है, नोस में और ट्रिकिया में। इसके अलावा बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है, एडिपोज टिश्यू है जो किडनी में, अंडर स्किन हमारे स्किन के अंदर, एब्डोमेन यानी पेट में पाए जाते हैं, ये भी जो है कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। ये इसका काम क्या है, ये सपोर्ट करते हैं और एनर्जी देते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ जाता है मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू क्या है जी, मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल, लंबे लंबे सेल्स का बंडल जो है जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं, उसे मसल टिश्यू होते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं ये एनिमल सेल में, उनके पास एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, सुकड़ने की, ठीक है जी। तीन टाइप्स हैं, एक आ जाता है स्केलेटल मसल्स, ये होते हैं बोन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। स्ट्रिप यानी स्ट्रिप मतलब जैसे स्ट्रिप होती है एक सीधी पट्टी की तरह, ठीक है जी, ये स्केलेटल मसल्स हैं, स्ट्रिप की शेप में पाए जाते हैं। इनकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है, बोन की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्मूथ मसल्स, ये एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स के जो आप कहेंगे वॉल्स हैं उनकी, जो आपने पढ़ी उनकी जो लाइनिंग है, बॉडी बॉर्डर है, उनमें पाए जाते हैं। सिंगल न्यूक्लियस होता है इनके पास भी, ठीक है जी, और रिस्पॉन्सिबल है ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सेल टिश्यूज के अंदर, सेल के अंदर इन्होंने सब्सटेंस की मूवमेंट करनी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कार्डिक मसल, कार्डिक जो वर्ड है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है, ये जो टिश्यूज हैं ये हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है जी। दे आर आल्सो सिचुएटेड बाय सिंगल न्यूक्लियस इन नेच, दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, इनका काम क्या है, जो दिल की हार्ट की हार्ट बीट है उसको ये कंट्रोल करते हैं। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, नर्वस टिश्यू, नर्वस का मतलब है कि एक साल से दूसरे साल तक पैगाम रसानी, ठीक है जी, अपना मैसेज कंडक्ट करना। नर्वस टिश्यू फॉर्म कम्युनिकेशन सिस्टम, सेल्स के दौरान जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो नर्वस टिश्यू जो है कंट्रोल करते हैं। दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन, न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं जो मैसेज को नर्व इंपल्स के थ्रू पहुंचाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है जी। ये जो है नर्वस टिश्यू आपको नजर आ रहे हैं, नर्व सेल्स हैं और ये नर्व सेल एक न्यूरॉन। नर्व टिश्यू इज फाउंड कहाँ पे, ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी इंजाइम्स। सबसे पहले यहाँ पे जो है मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन दी गई है। मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, यानी केमिकल रिएक्शन का ऐसा सेट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए उनकी बॉडी के अंदर चल रहा है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इसकी टू कैटेगरीज है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, इंक्लूड बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्ज मॉलिक्यूलर सिंथिसाइज, ऐसा रिएक्शन जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, सिंथिसाइज किए जाते हैं, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। उसके बरक्स उसके उलट जिस ऐसा रिएक्शन जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है जी। एनर्जी कैटाबॉलिज्म में जो है वो रिलीज होती है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल
तोड़े जाते हैं, और जब एनाबोलिज्म में मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, यूज होगी, यूटिलाइज होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट एज बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मतलब वो किसी भी रिएक्शन को जो हमारी बॉडी में हो रही है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स बेसिकली होते क्या हैं, डेफिनेशन ये है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन डेट कैटालाइज बायो केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन है जो किसी रिएक्शन को कैटालाइज करती हैं, उसे स्पीड अप करती हैं, और उस रिएक्शन के दौरान खुद को चेंज नहीं करती। अब जिस मॉलिक्यूल पे एंजाइम ने एक्ट करना है, जिस मॉलिक्यूल को उसने स्पीड अप करना है, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है जी। और जिस मॉलिक्यूल को वो कन्वर्ट कर देगी दूसरे मॉलिक्यूल में, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट। और इस सब के लिए उसे चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी इट इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, यानी बहुत कम तादाद में वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एंजाइम को चाहिए, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइम्स की कैटेगरीज बताई गई हैं, एक इंट्रासेलुलर होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर ऐसे जैसे ग्लाइकोलाइसिस में वर्किंग होते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर जैसे पेप्सिन एंजाइम जो है वो स्टमक में वर्किंग करता है पेप्सिनोजन वगैरह सब बनाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, सबसे पहले 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे विलियम क्यून ने, उन्होंने सबसे पहले टर्म एंजाइम यूज किया था। उन्होंने बताया कि एंजाइम जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है जी। और ये क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, लॉन्ग फॉर्म चेन में अमाइनो एसिड होते हैं जो थ्री डायमेंशनल शेप में होते हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, उसने कहा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तमाम एंजाइम जो हैं वो ऑलमोस्ट प्रोटीन ही होते हैं। मोस्ट एंजाइमिक रिएक्शन रेट आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन दोज कंपेयर अनकैटलाइज्ड, यानी ऐसे एंजाइम्स जिनका रिएक्शन अनकैटलाइज रहते हैं उसके निस्बत कैटलाइज रिएक्शन वाले जो एंजाइम्स हैं उनका जो रेट है, उनका रिएक्शन रेट जो है वो मिलियन टाइम फास्टर होता है, ठीक है जी। एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन, जिस टाइप का रिएक्शन होगा, जिस तरह की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा उसके लिए स्पेशल किस्म के एंजाइम चाहिए, ठीक है जी। और एंजाइम का एक लिखा है, ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। कैटालाइसिस में यानी जो कैटाबॉलिज्म का कैटालाइसिस है उसमें एंजाइम का एक बहुत कम पोर्शन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कैटालिटिक रीजन में, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है जी। एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हांस्ड, यहाँ बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है। बढ़ाने वाले को कहेंगे कम करने वाले को इनहिबिटर्स, और जो बढ़ाएंगे उसकी प्रोडक्शन रेट को उसको कहेंगे एक्टिवेटर्स। सम एंजाइम टू नोट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क, कुछ एंजाइम्स होते हैं कि उन्हें वर्क करने के लिए किसी एडिशनल मॉलिक्यूल, एडिशनल किसी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें नॉन प्रोटीन, क्योंकि खुद वो प्रोटीन है तो उन्हें नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो हैं वो अपने एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है, उसके साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो लूजली अटैच हैं, ज़्यादा मजबूती के साथ उसके साथ एंजाइम के साथ नहीं जुड़े, तो उसे हम कहते हैं को एंजाइम, ठीक है जी। सेवरल एंजाइम कैन वर्क टूगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ऐसे भी होते हैं कुछ एंजाइम जो हैं वो इकट्ठे वर्क कर लेते हैं किसी रिएक्शन में, ठीक है जी। उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, एक एंजाइम की जो प्रोडक्ट होती है वो दूसरे एंजाइम के लिए सब्सट्रेट का काम देगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताई गई है यूजेज ऑफ एंजाइम, कहाँ कहाँ पे यूज होती है, फूड इंडस्ट्री में, यानी स्टार्च को ब्रेक करने के लिए, शुगर को ब्रेक करने के लिए, ब्रेड बन वगैरह बनाने के लिए जो है वो एंजाइम्स यूज होते हैं। ब्रूइंग इंडस्ट्री है जहाँ पे स्टार्च और प्रोटीन को तोड़ा जाता है। यीस्ट की फर्मेंटेशन में, ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए जो है वो एंजाइम यूज होते हैं। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री है जिसमें जहाँ पे पेपर वगैरह बनाने के लिए बायोलॉजिकल डिटर्जेंट हैं। प्रोटीज एंजाइम यूज फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन फ्रॉम क्लोथ, जो हमारे कपड़ों पे प्रोटीन यानी घी वगैरह के दाग लग जाते हैं, प्रोटीज एंजाइम उसके लिए यूज किया जाता है। यानी ये डिटर्जेंट वगैरह हमारे जो साबुन सर्फ जो हम कपड़े धोने के लिए वॉशिंग के लिए यूज करते हैं उसमें एंजाइम यूज किए जाते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6, टॉपिक है बच्चे आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। तीन फैक्टर्स हैं, सबसे पहले टेम्परेचर, फिर है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन और फिर है पीएच। टेम्परेचर का क्या है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा
द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ठीक है, उतना ही एंजाइम का रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होगा, लेकिन एक खास बट ओनली टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक एवरी एंजाइम वर्क एट इट मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, जितना उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर वहीं तक वो जो है वो स्पीड अप कर सकता है, जिसको हम उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। हम टेम्परेचर को एक सर्टेन लिमिट तक ही जो है वो बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। वन टेम्परेचर इज इज वेल अबाव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब उससे ज़्यादा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाएगा उसका टेम्परेचर, एनर्जी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी, और वाइब्रेशन जो है एंजाइम्स की, वो उसका जो स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर जो नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इस स्टेट को कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाती है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, यानी जिस मॉलिक्यूल पे एक्ट करना है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, इस पे डिपेंड करता है एंजाइम एक्शन। अगर तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एंजाइम द रेट ऑफ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इफ़ एंजाइम कंसंट्रेशन इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, अगर उसको कॉन्स्टेंट रखा जाए एंड अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट इज इंक्रीज, अ पॉइंट इज रीच वेयर द फर्दर इंक्रीज इन सब्सट्रेट डज नॉट इंक्रीज। अगर हम एंजाइम कंसंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रखें, उसको ना बढ़ाएं और सब्सट्रेट को इंक्रीज करते जाए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें ज़्यादा सब्सट्रेट इंक्रीज करने का एंजाइम एक्शन पे कोई भी जो है वो स्पीड अप नहीं होगा। ठीक है जी, व्हेन द एक्टिव साइट ऑफ एल ऑल एंजाइम आर ऑक्यूपाइड, जब एक्टिव साइट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो सब्सट्रेट को ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी, फ्री फ्री एक्टिव साइट नहीं मिलेगी, तो इस स्टेट को हम कहेंगे सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, और रिएक्शन जो है यहाँ पे वो इंक्रीज नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट आ जाता है पीएच, जितना हर एंजाइम जो है मैक्सिमम रेट पे, एक नैरो बहुत कम रेंज होती है पीएच की, इस पे जो है वो वर्क करता है, जिसको हम कहते हैं उसका ऑप्टिमम पीएच। अगर इस पीएच में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो वो रिटार्डेशन यानी एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बताने के लिए यहाँ पे जो है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, जर्मन केमिस्ट थे एमिल फिशर, 1894 में उसने लॉक एंड की मॉडल दिया था। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम एंड सब्सट्रेट पोज अ स्पेसिफिक शेप डेट फिक्स एग्जैक्टली इन टू अनदर, उसने कहा बिल्कुल इस तरह एक चाबी, एक ताले के अंदर चाबी फिक्स होती है, ठीक है, अगर एक ताले की चाबी को आप दूसरे में नहीं लगा सकते, इसी तरह जो एक एंजाइम है वो दूसरे सब्सट्रेट में भी नहीं लग सकता, उन दोनों की शेप का सेम होना ज़रूरी है। जैसे ये देखें, ये एंजाइम, ये इसकी शेप, ये इसमें फिक्स हो गया, अगर ये टूट जाए ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके प्रोडक्ट क्या है, हमें दो मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या है, इन 1958 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोस्टलैंड ने हमें जो है उसने कहा लॉक एंड की मॉडल प्रपोज इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, उसने कहा जो एक्टिव साइट है जहाँ पे जाके सब्सट्रेट ने लगना है वो कोई हार्ड नहीं है, वेदर इट इज मोल्डेड इन टू द रिक्वायर्ड शेप टू फॉर्म इट्स फंक्शन, बल्कि उसने कहा कि जिस तरह का सब्सट्रेट होगा उसको उसके मुताबिक ढाला जा सकता है ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव साइट की शेप क्या है और सब्सट्रेट की शेप क्या है, लेकिन उसने कहा ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, उसको उसके मुताबिक हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम क्या है, यानी हर एंजाइम वर्किंग के लिए स्पेसिफिक है, 2000 नॉन एंजाइम है लेकिन हर एक स्पेसिफिक केमिकल है, जैसे एंजाइम आर आल्सो सब्सट्रेट स्पेसिफिक, जैसे उनका एंजाइम प्रोटीज है, ये स्टार्च पे वर्क नहीं करेगा सिर्फ प्रोटीन पे करेगा, इसी तरह जो लाइपेज है वो एंजाइम ओनली एक्ट ऑन लिपिड्स, ठीक है, वो स्टार्च पे और प्रोटीन पे एक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ किस पे, लिपिड्स पे एक्ट करेगा एंड एडजस्ट इन फैटी एसिड इनटू ग्लिसरॉल। ये आपका बच्चे चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, आई होप आपको समझ आ गई होगी, जो एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे, ये आपका समर वेकेशन है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। एंजाइम प्रोटीन्स, तमाम एंजाइम जो हैं वो ऑलमोस्ट प्रोटीन ही होते हैं, मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन दोज कंपेयर अनकैटालाइज, यानी ऐसे एंजाइम्स जिनका रिएक्शन अनकैटालाइज रहते हैं उसके निस्बत कैटालाइज रिएक्शन वाले जो एंजाइम्स हैं उनका जो रेट है, उनका रिएक्शन रेट जो है वो मिलियन टाइम फास्टर होता है। ठीक है जी, एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन, जिस टाइप का रिएक्शन होगा, जिस तरह की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा, उसके लिए स्पेशल किस्म के एंजाइम चाहिए। ठीक है जी,
और एंजाइम का एक लिखा है, ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। कैटालाइसिस में यानी जो कैटाबॉलिज्म का कैटालाइसिस है उसमें एंजाइम का एक बहुत कम पोर्शन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कैटालिटिक रीजन में, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है जी। एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हांस या बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है। बढ़ाने वाले को कहेंगे कम करने वाले को इनहिबिटर्स, और जो बढ़ाएंगे उसकी प्रोडक्शन रेट को उसको कहेंगे एक्टिवेटर्स। सम एंजाइम टू नोट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। कुछ एंजाइम्स होते हैं कि उन्हें वर्क करने के लिए किसी एडिशनल मॉलिक्यूल, एडिशनल किसी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें नॉन प्रोटीन, क्योंकि खुद वो प्रोटीन है तो उन्हें नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो हैं वो अपने एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है, उसके साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो लूजली अटैच हैं, ज़्यादा मजबूती के साथ उसके साथ एंजाइम के साथ नहीं जुड़े, तो उसे हम कहते हैं को एंजाइम। ठीक है जी। सेवरल एंजाइम कैन वर्क टूगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ऐसे भी होते कुछ एंजाइम जो हैं वो इकट्ठे वर्क कर लेते हैं किसी रिएक्शन में। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, एक एंजाइम की जो प्रोडक्ट होती है वो दूसरे एंजाइम के लिए सब्सट्रेट का काम देगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताई गई है यूजेज ऑफ एंजाइम, कहाँ कहाँ पे यूज होती है। फूड इंडस्ट्री में यानी स्टार्च को ब्रेक करने के लिए, शुगर को ब्रेक करने के लिए, ब्रेड बन वगैरह बनाने के लिए जो है वो एंजाइम्स यूज होते हैं। ब्रूइंग इंडस्ट्री है जहाँ पे स्टार्च और प्रोटीन को तोड़ा जाता है। यीस्ट की फर्मेंटेशन में, ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए जो है वो एंजाइम यूज़ होते हैं। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री है जिसमें जहाँ पे पेपर वगैरह बनाने के लिए बायोलॉजिकल डिटर्जेंट हैं। प्रोटीज एंजाइम यूज फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन फ्रॉम क्लोथ, जो हमारे कपड़ों पे प्रोटीन यानी कि वगैरह के दाग लग जाते हैं, प्रोटीज एंजाइम उसके लिए यूज़ किया जाता है। यानी ये डिटर्जेंट वगैरह हमारे जो साबुन सरफ जो हम कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। वर्क करता है जिसको हम कहते हैं उसका ऑप्टिमम पीएच। अगर इस पीएच में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो वो रिटार्डेशन यानी एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बताने के लिए यहाँ पे जो है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, जर्मन केमिस्ट थे एमिल फिशर। 1894 में उसने लॉक एंड की मॉडल दिया था। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम एंड सब्सट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप डेट फिक्स एग्जैक्टली इनटू अनदर। उसने कहा बिल्कुल जिस तरह एक चाबी, एक ताले के अंदर चाबी फिक्स होती है, ठीक है, अगर एक ताले की चाबी को आप दूसरे में नहीं लगा सकते, इसी तरह जो एक एंजाइम है वो दूसरे सब्सट्रेट में भी नहीं लग सकता, उन दोनों की शेप का सेम होना जरूरी है। जैसे ये देखें, ये एंजाइम, ये इसकी शेप, ये इसमें फिक्स हो गया, अगर ये टूट जाए ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके प्रोडक्ट क्या है, हमें दो मिल गए। ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या है, इन 1958 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोस्टलैंड ने हमें जो है उसने कहा लॉक एंड की मॉडल प्रपोज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। उसने कहा जो एक्टिव साइट है जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट ने लगना है वो कोई हार्ड नहीं है, वेदर इट इज मोल्डेड इन टू द रिक्वायर्ड शेप टू फॉर्म इट्स फंक्शन। बल्कि उसने कहा कि जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उसको उसके मुताबिक ढाला जा सकता है ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव साइट की शेप क्या है और सबस्ट्रेट की शेप क्या है, लेकिन उसने कहा ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, उसको उसके मुताबिक हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम क्या है, यानी हर एंजाइम वर्किंग के लिए स्पेसिफिक है। 2000 नॉन एंजाइम है लेकिन हर एक स्पेसिफिक केमिकल है, जैसे एंजाइम आर आल्सो सब्सट्रेट स्पेसिफिक, जैसे उनका एंजाइम प्रोटीज है, ये स्टार्च पे वर्क नहीं करेगा, सिर्फ प्रोटीन पे करेगा। इसी तरह जो लाइपेज है वो एंजाइम ओनली एक्ट ऑन लिपिड्स, ठीक है, वो स्टार्च पे और प्रोटीन पे एक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ किस पे, लिपिड्स पे एक्ट करेगा एंड एडजस्ट इन फैटी एसिड इनटू ग्लिसरॉल। ये आपका बच्चे चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे। यही आपका समर वेकेशन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।